आज मैं आया हूँ एक बायोफ्लॉक फिश फार्म के सेटअप के ऊपर। इसको तीन पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं और तीनों का तीनों पार्ट टाइम काम है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मैंने कई सारी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग की वीडियोस कवर की हैं और पॉन्ड फार्मिंग की वीडियोस भी कवर की हैं। इसमें किस जरिए आप किस रास्तों से पैसे कमा सकते हैं, मैं उन कुछ बातों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ पे सेटअप देख रहे हैं अर्बन बायो फिशरीज का। ये पूरा आपको बताएंगे कि आपको बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मैंने अब तक अपनी इसी वीडियो में कवर नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अंदर सेटअप दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है अर्बन बायो फिशरीज का। इट्स ऑल अबाउट फिश फार्मिंग। सारी यहाँ पे चीज़ें बताई जाएंगी और सबसे बेस्ट तरीका कि किस तरीके से आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं, मतलब कौन कौन से रास्ते हैं, सिर्फ मछली सेल करने के अलावा भी कौन सा जरिया है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे 30,000 लीटर और 10,000 लीटर के दो साइज़ के पौंड हैं, कौन कौन सी वेराइटी हैं, सारी बातें यहाँ पे मैं आपको यहाँ के जो ओनर हैं उनसे पूछूंगा। और ये यहाँ पे मेडिसन्स वगैरह, फिश को कई सारी मेडिसन्स भी दी जाती हैं, जैसे ये पैरासीटामोल रखी हुई है, ये विटामिन रखा हुआ है, ये रियल बाइंड का रखा हुआ है, और यहाँ पे लीवर टॉनिक वगैरह है, इंट्रामिनफ है। ये सारी चीज़ें मतलब कहाँ पे यूज़ होती हैं ये किसी भी वीडियो में ना तो मैंने कवर की है और ना मैंने देखा है किसी वीडियोस में किसी भी भाई ने इन सब बातों के बारे में आप सबको या मेरे व्यूवर्स को या किसी व्यूवर्स को डिस्क्लोज़ किया हो। तो चलिए दोस्तों, सारी बातें यहाँ के तीन पार्टनर से मिलते हैं, कितने इंटरेस्ट से कैसे वो पार्ट टाइम काम करते हैं और कैसे फिश सेल करने के अलावा भी और रस्तों से पैसे कमाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ये जानकारी सिर्फ आप तक ही सीमित ना रहे। तो ये तीन पार्टनर हैं मेरे सामने, आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले सागर जी, आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सागर सिंगल है, मैं बवाना का निवासी हूँ। बाय प्रोफेशन मैं सिविल इंजीनियर हूँ और साथ में मैंने अपना बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का काम स्टार्ट किया अपने दो भाइयों के साथ मिलकर। इनसे मिल लीजिए एक बार आप। आपका नाम? मेरा नाम संदीप है। हाँ जी, मेरा वैसे बिजनेस है टेंट हाउस का, अब मैं फिश फार्मिंग का अलग से कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका भैया? नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं डेयरी फार्म का बिजनेस करता हूँ और बाकायदा मैं फिश फार्मिंग में घुसा हूँ, तो ये एक मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है। देखिए तीनों दोस्तों, अभी मैं सागर जी से ये सारी बारीक बातें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सागर जी, कौन कौन से रास्ते हैं, कौन से दुखे हैं जिससे देखिए बंदा पैसे कमा सकता है? हमारा ये पार्ट टाइम का काम है, लेकिन हमारा फिर भी ना जो मछली की ग्रोथ है वो काफी हद तक अच्छी होती है। हमारा कल्चर बहुत अच्छा चल रहा है जी, हाँ, क्योंकि जी, हम कुछ सावधानियां बरतते हैं। जी हाँ जी, जो हमने अक्सर लोगों को देखा है या हम भी है, हमसे भी शुरू में भूल हुई है, लेकिन वो हमने उस चीज को कवर किया है। आप टैंकों में अपनी मछलियाँ डाल दी हैं, आप उनको फीड दे रहे हो, लेकिन आप उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा, कि उनकी हेल्थ क्या है, वो बीमार है, उसके ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शन आया है नहीं आया है। तो ये चीजें हम अपने मेडिसिन वगैरह है जी, हेल्थ सप्लीमेंट है, वो हम ये देते रहते हैं इनको। जैसे कि उनकी स्किन के लिए कि ये विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। अच्छा अच्छा, ये हम जो फीड होती है हमारे फीड में मिला के डालते हैं। इसके साथ जैसे पैरासीटामोल की है जो बुखार की दवाई होती है, मछलियों में देखा जाता है कि बीमार भी होती हैं। अच्छा, उसके कारण वो मोर्टेलिटी हो जाती है उसमें। अच्छा जी, जो लोग ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि भाई वो मछलियाँ मर रही हैं तो क्या कारण है, जी, वो कारण यही होता है, उनको बुखार भी होता है। अच्छा, उनको फंगल इन्फेक्शन भी होता है, सेम ह्यूमन की तरह, सेम ह्यूमन की तरह नेचर है उनका भी, पेट भी खराब होता है उनका। ये सब चीजें उनमें फीड में मिला के दी जाती है, वो एक हेल्थ सप्लीमेंट है उनके लिए। ये सब रियल बाइंड वगैरह है, इनके अंदर सारा प्रोटीन मिनरल विटामिन सोर्स होते हैं। अच्छा अच्छा, और ये एक इनका ना जो स्टमक इंस्टेंटाइन वगैरह है उनको साफ करते हैं। अच्छा, ये आप पानी में मिलाते हैं, फीड में मिलाते हैं? नहीं, ये हम फीड में मिलाते हैं। ठीक है, जब हम फीड डालते हैं ना तो फीड में हम तीन चार प्रोडक्ट का पाउडर होता है जो ये लिक्विड फॉर्म में आता है, तो हम उनको हाथ से मिक्स करके वो हमें डायरेक्ट टैंक में डाल देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आगे? और इसके अलावा जैसे ये प्रोटीन सोर्स है, ये हेल्थ सप्लीमेंट है। अच्छा जी, ये उनकी ग्रोथ के लिए काम आता है। अच्छा जी, ये ग्रोथ बूस्टर बोल सकते हैं आप। ठीक है, मछली की अच्छी ग्रोथ के लिए। जैसे क्या होता है कि देखा जाता है कि पानी में गैसेज वगैरह बढ़ती हैं, अमोनिया वगैरह बढ़ जाता है, तो अमोनिया कंट्रोल करने के लिए हम एक ये प्रोडक्ट है ये भी यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, बट हम ये यूज कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, ये काफी किफायती है इसके लिए। ठीक है,
देखिए प्रोडक्ट है ये बीकेसी बोला जाता है इसको। अच्छा। ये टैंक को सैनिटाइज करता है, जो टैंक में पानी होता है ना, पानी गंदा हो जाता है, उसको सैनिटाइजर के लिए काम आता है ये। अच्छा, कल्चर में डाल सकते हैं इसको? कल्चर में हम डायरेक्ट डाल सकते हैं पानी में मिला के। अच्छा अच्छा। इसका रीजन ये होता है कि जैसे जो इसका मिक्सर होता है कि 20 ml ये लेते हैं। अच्छा। और 20 लीटर पानी में मिक्स करके हम टैंक में एज इट डायरेक्ट स्प्रेड कर देते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है वो मर जाता है। ठीक है। एक ये होता है एमोक्सेल, ये भी अमोनिया कंट्रोल करने के लिए काम आता है। अच्छा। ये भी हम डायरेक्ट ही वैसे ही जो सोर्स है अपना 20 लीटर पानी में मिला के वो डालते हैं। अच्छा जी। ये है, ये भी एक तरह का पावर बूस्टर है ये उनके लिए, विटामिन मिनरल प्रोटीन विटामिन बी विटामिन सी, ये कंप्लीट सोर्स है ये। अच्छा अच्छा। ये भी हम उसमें टैंक में डालते हैं फीड में मिला के। फीड में मिला कोई भी चीजें जो है ये डायरेक्ट नहीं डलती, वो सब फीड में मिलके ही डलती है, फीड में मिला के। अच्छा ये बताएं अभी आपने कौन कौन सी फिश और कितने अपना ये टैंक बना रखे हैं? हमारे पास अभी 10 टैंक है, 6 मीटर डाया के 8 टैंक है और 4 मीटर डाया के 2 टैंक। ठीक है सागर जी, मैं जानना चाहूंगा इस फिश फार्मिंग के काम में कौन कौन से 2 तरीकों से आप पैसे कमाते हैं, आप अपनी अर्निंग करते हैं? देखिए मैं 2 नहीं आपको 3 तरीके बताऊंगा। अच्छा। कि हम पार्ट टाइम करके भी हम 3 तरीकों से कैसे हम मुनाफा कमा रहे हैं। अच्छा जी। पहला जो हमारा तरीका है कि हमने बायोफ्लोक के टैंक लगाए हैं 10 टैंक। ठीक है। उसमें मैं कल्चर कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए इसमें जो हमारा जो कल्चर है इसमें आप इसको थोड़ा रिसर्च करके ही कल्चर करें, आप जिस एरिया में करना चाह रहे हैं कल्चर वहाँ पे आप लोकेलिटी चेक करें कि वहाँ पे किस मछली की कितनी डिमांड है और क्या रेट मिल रहा है आपको। अच्छा अच्छा। आप उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा आप इसमें डालिए फिश का जो भी है, क्योंकि आज के आसपास जो भी मंडी लगती है वहाँ पे आप एक बार थोड़ा घूम के आइए कि क्या डिमांड है वहाँ पे। अच्छा। पता चलता है कि भाई लोग बाग मछली और कुछ कर लेते हैं उसकी डिमांड ही नहीं है, तो वो लॉस हो जाता है उन लोगों को काफी। तो हमने ये रिसर्च करके काफी घूमे फिरे हैं, हम रिसर्च किया है तब जाके हमने ये कल्चर स्टार्ट किया है। मतलब इनपुट कॉस्ट कितना है, आउटपुट कितना निकल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ये सब आपको मार्जिन है, बिल्कुल ये सब आपको देख के चलना ही पड़ता है आपको स्टार्टिंग में। तो दोस्तों एक मांझा नाम से एक ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैं दे दूंगा, और उसमें क्या है कि आपने आसपास के जितने ही फार्मर्स हैं वो सारे लोग कनेक्टेड होते हैं जो सीड सेल करते हैं, या जो फार्मर कुछ जानकारियाँ चाहते हैं या फिर कोई इक्विपमेंट लेना चाहते हैं, सारी इस तरह की जानकारियाँ उस जो मांझा ऐप के ऊपर अवेलेबल होती हैं। सबसे बेनिफिट ये तो जैसे सागर जी को आसपास के लोग अगर सर्च करेंगे तो इनका फार्म भी उसके ऊपर मिल जाएगा, इस तरह से आसपास के लोकल फार्म वहाँ पे मिलते हैं, ताकि सीड वगैरह जैसे मान लो सीड भी सेल होता है इनका, तो सीड भी आप आसपास से लेते हैं तो वो क्या है कि अपने इन्वायरमेंट में अपने सारे जो चीज़ों में पानी में ढला होता है तो उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। तो एक हमारा हो गया पहला तरीका कमाने के लिए। ठीक है। दूसरा तरीका ये है हम अपने टैंकों में सीड स्टॉक करते हैं। अच्छा। सीड स्टॉक का मतलब हो गया बिल्कुल छोटा बच्चा मछली का। ठीक है। न्यू बोर्न बेबी आप जिसको बोलते हैं। अच्छा। हम उसको स्टॉक करते हैं इधर। अच्छा। वो हमारे लिए भी बेनिफिट है और जो हमारे पास लोकल आसपास जो फार्मर है जो फिश फार्म करते हैं वो भी हमसे सीड लेके जाते हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा। एक ये दूसरा तरीका है आपका पैसे कमाने के लिए। अच्छा। आप अपने टैंकों में सीड स्टॉक करो और आपके आसपास लोकल में आपसे बंदे लेके जाते हैं फार्मर, जो भी हमारे नए फार्मर हैं। ठीक। रीजन तो ये आप सीड में कौन कौन सी वैरायटी सब स्टॉक करते हैं? स्टॉक करने में हमारे पास कवई है, सिंगी है, तिलापिया है, पापदा है, रोहू कतला है। ठीक है। और भी काफी वैरायटी है लेकिन अभी फिलहाल हमने यहीं पे स्टॉक किया है। अच्छा। रीजन ये होता है कि जो हमारे जो फार्मर होते हैं उनको सबसे मेन इशू यही आता है कि हम सीड कहाँ से ले। अच्छा जी। क्योंकि सीड आता है सब बाहर से, कलकत्ता से आता है, कोई कहीं से आता है, तो उनके लिए लाने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। अच्छा अच्छा। वो परेशानी हमने उठाई है तो हमने इसी कारण की वजह से देखते हुए सारा हम अपना सीड स्टॉक खुद ही करते हैं। अच्छा, मतलब ये भी जरिया है, इसके जरिए सीड सेल करके पैसे कमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक दूसरा जरिया है हमारा पैसे कमाने का। देखो मेहनत होती है, सभी काम में होती है, टेक्निकल चीजें हैं वो सब ध्यान रखो। स्टॉक करना जो है ना वो एक आसान काम नहीं है। लोगों को लगता है कि आपने टैंकों में सीड स्टॉक कर लिया और काम चल जाता है, देखिए बहुत टेक्निकल चीजें हैं। अच्छा। लाइव स्टॉक का काम कर रहे हैं आप, लाइव जीव है वो एक अलग, हम इंसान नहीं है, वो एक मछली है। जी जी। तो उनका हरेक का टेम्परेचर अलग होता है, हरेक मछली का एक अलग जो होता है ना उसका बिहेवियर अलग होता है। अच्छा अच्छा। उसको क्या खिलाना है, किस टेम्परेचर में रखना है, वो सब चीजें ना बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। अच्छा जी। हमने अपने पार्ट टाइम में करते हुए हम सब लगे रहते हैं, हमने आज सीड स्टॉक भी किया है। अच्छा। तो हम लेकिन कंटिन्यू रिसर्च हमारी चलती रहती है इस चीजों में। अच्छा अच्छा। कि भाई किस मछली के लिए क्या टेम्परेचर ठीक है, क्या फीड खिलाया जाए, कितने टाइम पे फीड खिलाया जाए उसको। अच्छा अच्छा। ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं वो बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। जी जी जी। तभी आप कुछ मुनाफा कमा पाते हैं। मतलब पूरा बारीकी से आप चाहे पार्ट टाइम करो लेकिन आपको टाइम जरूर देना टाइम जरूर देना पड़ता है। बिल्कुल, ये कोई आसान खेल नहीं है कि आपने बस बच्चा स्टॉक किया और आपको निफराम हो गए एक तरह से। अच्छा अच्छा। अब जो मेरा तीसरा जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, जैसे हमारा क्या है, हमारा पोंड कल्चर भी है। अच्छा जी। पोंड कल्चर का मतलब हमारे पास तालाब भी है, हमारे पास 5 एकड़ में तालाब है। अच्छा जी।
वो हमारा जो सीड हम स्टोक करते हैं, जो फार्मर हमसे जो सीड लेके चले जाते हैं वो एक हमारा मुनाफा है, ठीक है। और जो एक्सेसिव सीड हो जाता है हमारे पास, जो बच जाता है हमारे पास, तो वो हम अपने तालाब में डाल के उसका कल्चर करते हैं। अच्छा, उसका कल्चर करते हैं, उसका कल्चर वो भी बायोफ्लोक या वैसे? नहीं, वो बायोफ्लोक नहीं है, वो एक प्रॉपर पोंड कल्चर है, जो हमारे पुराने गाँव में होता था, झोड़ में मछली डाल के अपना काम करना, एक वो अलग काम है। अच्छा अच्छा, वो हमारे लिए एक बेनिफिट सोर्स है, क्योंकि अच्छा जो हमने यहाँ पे सीड स्टॉक किया, जितना सेल आउट हुआ वो हो गया, जितना जो बच गया वो हम अपने तालाब में डाल के उसका कल्चर करते हैं। कल्चर करते होता है। क्या है, हम हमेशा ना जो सीड होता है वो एक्सेसिव अमाउंट में लेके चलते हैं। अच्छा जी। कि आसपास के जो फार्मर्स है उनकी भी पूर्ति हो जाए, हमारा भी हो जाए, और जो भी कुछ भी सीड जो बच जाता है हम उसके लिए अलग पोंड ले लेते हैं, एक एकड़ में, दो एकड़ में, तो हम वहाँ पे वो स्टॉक कर देते हैं। वो स्टॉक कर देते हैं, हाँ जी, उससे और ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो हमारा तीसरा जरिया है। अच्छा अच्छा, पैसे कमाने का। देखिए, एक सावधानी और बरतनी चाहिए हम सभी को, जो भी नए फार्मर है, कि जो भी हम सीड स्टॉक करते हैं उन सब में ना ग्रेड होती है, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड सी, अच्छा, थ्री ग्रेड, तीन ग्रेड में बच्चा होता है हमारा जो मछली का होता है। रीजन यही होता है कि जो नाकामयाब लोग हो जाते हैं, मतलब कहने का मतलब फेलियर कि जो फेलियर हो जाते हैं उनका रीजन यही होता है कि जो जहाँ से वो स्टॉक करते हैं, जहाँ से वो बच्चा लेके आते हैं, ठीक है, वो उनको ग्रेड थ्री का बच्चा दे देते हैं। अच्छा अच्छा, सस्ते के चक्कर में। क्या होता है ग्रेड ए, ग्रेड थ्री, ए बी सी में चक्कर ये होता है, ए बी सी बोल लो या वन टू थ्री ग्रेड बोल सकते हो आप उसमें। अच्छा, पता कैसे करें ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है? जो इसमें ग्रेड की बात है जो हम कर रहे हैं, जैसे एक मछली होती है वो जब ब्रीडिंग करती है ना, तो वो लाखों में अंडे देती है, लाखों काउंट्स में अंडे देती है, ठीक है। तो उसमें ये होता क्या है, जो बच्चा पहले निकल के, मतलब जो सर्वाइव कर जाता है, जो सर्वाइवल रेट भी होता है इनमें, कि भाई जितना बच्चा वो देती है वो सारा जिंदा नहीं रहता। अच्छा, अच्छा। उसमें से मोर्टेलिटी भी काफी हो जाती है। अच्छा जी। जो बच्चा नया अंडे में से बाहर निकल जाता है, पहले निकलता है, जो पहले निकलता है वो एक ग्रेड में बच्चा आता है। अच्छा, उसके बाद जैसे धीरे धीरे होता रहेगा वो ग्रेड टू, ग्रेड थ्री में डिवाइड होता रहेगा। अच्छा अच्छा। तो वो फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उसके लिए कस्टमर आया है या कोई फार्मर खरीदने आया उसे, तो वो कितनी ईमानदारी दिखाता है उसमें, कि भाई वो ए ग्रेड का बच्चा दे रहा है, सेकंड ग्रेड का बच्चा दे रहा है, थ्री ग्रेड का बच्चा। मतलब ये सावधानियां है, सावधानियां है, ये बरतनी पड़ती है लोगों को, इसीलिए फेलियर काफी जगह हमने देखा है, लोगों का फेलियर होता है कि वो सी ग्रेड का बच्चा ले आते हैं और प्राइस भी काफी दे के आते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, लोकल से सीड लेने का मतलब ये बेनिफिट हो गया, बिल्कुल, कि आप उसको यहाँ पे रखते हैं, हाँ, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ढल जाता बिल्कुल, है वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है, हाँ जी। तो ये जो काम बायोफ्लोक का, मैंने कई सारी वीडियोज कवर की है, इसको कोई शुरू करते हैं, हाँ जी, तो मतलब क्या आप भी इजी टू यहाँ विजिट है, मतलब कोई बंदा आ गया? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पे कोई ऐसी रोक नहीं है, आप कभी भी जिस भी भाई को, बंधु को काम करना है, सीखना चाहते हैं या देखना ही चाहते हैं, किसी भी टाइम बेधड़क आ सकते हैं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, देखिए दोस्तों, कोई भी युवा या कोई मेरे मित्र यहाँ पे अगर बायोफ्लो का काम शुरू करना चाहते हैं, तो मैं तो खुद कहूँगा आप अपने आसपास के लोकल इलाके में विजिट करें, और सागर जी के नंबर डिस्क्रिप्शन में भी हैं, स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, आप इनसे भी कॉन्टेक्ट करें। काम के बारे में, पैसे कमाने के लिए आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, एक 5-10-15 मिनट की वीडियो में कभी भी सारी बातें क्लियर नहीं होती हैं। अगर आप विजिट करते हैं, फार्मर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो शायद कुछ आपको सीखने को मिले। तो सागर जी से आप मुलाकात करें, यहाँ पे आके देखें, तीन पार्टनर हैं, कैसे पार्ट टाइम काम करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। ये तो दोस्तों होता ही है, जब कोई बंदा कोई काम शुरू करता है तो दो बंदे फेल होते हैं, एक सक्सेसफुल होता है, उसके पीछे या तो होता है उसको कोई ऑप्शन ना दिखाई दे, हम अक्सर पार्ट टाइम लेके चलते हैं, फिर उस चीज़ को इजी लेते हैं, लेकिन सागर जी और उनके दो मित्र हैं वो इस काम को थोड़ा सा सेंसिटिव तरीके से, बारीकी से ले रहे हैं, तो इसमें ये सक्सेसफुल हो रहे हैं। जब 3-4-5 माइंड लगते हैं या 2 माइंड लगते हैं, या फिर आप अकेले अपने काम में दिमाग लगाते हैं, तो उसमें प्रॉफिट कमाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो सागर जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? बस मेरा कहना यही है, जो भी नया भाई हमारा कोई भी फिश फार्मर है, जो काम करना चाहता है, देखना चाहता है, वो जरूर आके मिले हमसे, सारी टेक्निकल चीजें पूछे, उस चीज का हम कोई भी चार्ज नहीं करते, हमारे पास फ्री सेवा है बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे जो भी है, क्योंकि हम भी नए हैं इस काम में, हम भी कहीं से सीख के आए हैं, जी जी जी, तो हमें ये एक हमारी तरफ से मदद ही रहेगी कि जो भाई आएगा हमारे पास सीख के जाए, वो तो अच्छी बात है कि युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा, और आप तीनों दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान करे आपका काम, आप लोग मेहनत ईमानदारी से काम करें और आगे तक आपका काम बढ़े। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू।